Yeah, safety! First! Safety! First! Safety! First! Today our toolbox meeting topic is what is hazard and how to control the hazard and what is risk. सबसे पहले ये हैजर्ड क्या है, हैजर्ड का मतलब क्या है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग वर्क साइट पे जहाँ हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पे बहुत सारे हैजर्ड होते हैं, खतरे होते हैं, खतरनाक चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों का खतरा होता है, ठीक है। उसको हम हैजर्ड बोलते हैं, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको जख्मी होने का खतरा है या प्रॉपर्टी को लॉस होने का खतरा है। प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, आपका केबल है, आपके टूल्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, सामान है जो आप काम कर रहे हो उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, और ये केबल ड्रम्स हैं, केबल है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टी होती है, उसको डैमेज होने से बचाना होता है, लॉस होने से बचाना होता है, ठीक है। इसी तरह से हम हैजर्ड को 5 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक हायरार्की है बनी हुई। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो भी हैजर्ड है, जो भी ख़तरा है उसको हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टील लगा हुआ है, आपको पता है ये चुभ जाएगा, लग जाएगा, आपको जख्मी कर सकता है आपको, तो आप उसको निकाल के हटा सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो निकालोगे, वरना नहीं निकालोगे। अगर पॉसिबल है आप उसको निकाल सकते हो वो चीज़ को, तो निकाल दोगे, उसको कहते हैं एलिमिनेशन। उसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उस स्टील की जगह कोई और चीज़ लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे वो स्टील हटा के लकड़ी लगा दो, कोई और चीज़ सपोर्ट लगा दो उसकी जगह में, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया कि आपने उसको खतरे को कम कर दिया। पहले था कि आपने स्टील को निकाल दिया, खतरा ख़त्म हो गया। दूसरा है कि आपने उसकी जगह दूसरी चीज़ लगा दी, खतरे को कम कर दिया, ठीक है, उसके बदले में कोई और चीज़ लगा दी। उसके बाद में आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होता है कि जैसे कि अगर एक स्टील लगा हुआ है तो उसको, स्टील को आप मोड़ सकते हो ताकि उसकी जो शार्पनेस है, जो उसका वो जख्मी करने की जगह है, वो मुड़ जाए। दूसरा क्या है कि उसके ऊपर कैप लगा सकते हो, रिबार कैप्स आते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर कैप लगा सकते हो तो वो आपका एक खतरा कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि आप अगर उस पर गिरते भी हो तो कैप उसके ऊपर लगा हुआ होगा, या अगर उसको बैंड कर देते हो, स्टील को मोड़ देते हो, तो भी उसके वो जो शार्पनेस है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या होते हैं, जैसा कि आप उस स्टील के बारे में लोगों को बता दो पहले से, सुबह आते ही बता दो भाई ये स्टील लगा हुआ है, इससे बचना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दो। ट्रेनिंग भी हो सकती है, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, फोरमैन आपको बता सकता है भाई ये चीज़, ये देखो ये चीज़ें हैं, इससे बचना है आपको, ठीक है ना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आ जाती है। उसके बाद में सबसे आखिर में जो चीज़ आती है वो आती है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबसे लास्ट में आती है। हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले वही करना चाहिए, हेलमेट पहन लेना चाहिए, ग्लव्स पहन लेना चाहिए, शूज़ पहन लेना चाहिए, वो सही है आपकी बात। साइट पे आने के बाद सबसे पहला काम आपको वही करना है, PPE पहनना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है, अपना शूज़ पहनना है, हेलमेट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, सेफ्टी गूगल्स पहनने हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काम के हिसाब से होता है। कहीं पर ऐसा काम हो रहा है वहाँ पर ये कॉटन ग्लव्स नहीं चलते हैं, दूसरे ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। कहीं पे कटिंग ग्राइंडिंग हो रही है तो वहाँ पर फेस शील्ड लगाना है। हर काम के हिसाब से PPE होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो यही हैं, हेलमेट, शूज़ और गूगल्स वगैरह, ठीक है, ये PPE में आ जाता है। इसी तरह से जब आप यहाँ पर आते हो काम में, जब देखते हो कोई ख़तरा है, जैसे कि मैंने बताया हैजर्ड के बारे में, तो आपको पता है केबल पुलिंग हो रही है, उसमें आप देखो केबल को आपने सेव करना है, अपने आप को भी बचाना है,
अपने आप को भी जख्मी होने से बचाना है, केबल को बचाना है, प्रॉपर्टी को बचाना है। वो कैसे आप बचा सकते हो, वो मैंने आपको 5 कंट्रोल बताए हैं, एग्जाम्पल बताई है। 1 एलिमिनेशन, 2 सब्स्टिट्यूशन, 3 इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, 5 PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये 5 चीज़ें अगर आप इसके ज़रिए से कंट्रोल करोगे तो इंशाल्लाह 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे केबल पुलिंग में आप केबल को बचाओ, अपने आप को जख्मी होने से बचाओ। देखो क्या हैज़र्ड है रास्ते में, क्या हैज़र्ड है जहाँ पे जा रही है केबल, वो क्या चीज़ है जो आपको जख्मी कर सकती है, वो क्या चीज़ है जो केबल को डैमेज कर सकती है, उसको आपने ख़त्म करना है उस हैज़र्ड को, तब आप एक एक्सीडेंट फ्री काम कर सकते हो, जिसमें कोई खतरा नहीं होगा, जिसमें कोई दुर्घटना या कोई हादसा नहीं होगा और आप आराम से काम कर सकोगे, यानी 0 एक्सीडेंट होगा आपका। ये आज का हमारा टॉपिक था और लास्ट में हम एक सेफ्टी स्लोगन होता है हमारा, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट।